इसको एक और सवाल लेंगे, जैसे मौखिक तौर पर लोग कह रहे हैं काट दिया गया है या सिर्फ प्रयास रहा, से इनके शादी में दिक्कत आ सकती है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? अब ये तो भाई बाहर की बात। जी नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने देखा कि अभी अर्जुन जी का जो मामला है सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, बताया ये जा रहा है या फिर बताकर ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि प्रेमिका के घर वो मिलने जब गए थे तो प्रेमिका के परिजनों के द्वारा जो है उनके प्राइवेट पार्ट को यानी कि उसके लिंक को इंसर्ट किया गया है या काट दिया गया है, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। उनका जो इलाज किए थे डॉक्टर साहब जो हमारे साथ हैं, जिनका नाम धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, माँ जानकी अस्पताल के सर्जन डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात करेंगे। ये वर्तमान में उनका इलाज कर रहे हैं यही बता सकते हैं, क्योंकि इनके प्राइवेट पार्ट को इलाज कर रहे हैं, देखे हैं। सर से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है सच। उस लड़के का जी इंजरी था पेनिस में, जी रात में एडमिट हुआ, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, तो फर्स्ट एड किया गया था रात में ही। सवेरे आए उसको देखे, ओटी में ले जाके रिपेयर कर दिए। इंजरी उसके बेस ऑफ द पेनिस पर, जर्म पर ही इंजरी थी, रिपेयर कर दिया गया है। अभी लड़का ठीक है, इंद्री बच गया है। इंद्री बच गया है। इसको एक और सवाल लेंगे, जैसे मौखिक तौर पर लोग कह रहे हैं काट दिया गया है या सिर्फ प्रयास रहा, नहीं, इसको कैसे? इंजरी तो थी, वो तेज हथियार की इंजरी थी, तेज हथियार का इंजरी था बेस ऑफ द पेनिस जी। पर, पेनिस के जड़ में था। अच्छा, पेनिस के जड़ में यानी लगाव था उसका पेनिस के जड़ से। हाँ, अच्छा, आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से। अच्छा, वो अभी खतरे से बाहर है क्या सर? खतरे से बाहर है, अब खतरे से उसका पेनिस भी बच गया। पेनिस बच गया है। अब वो एक और सवाल है, उनके माँ का सवाल है। माँ, जब उनके पास मैं रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा तो वो हमको कहीं कि मैं रिपोर्टिंग नहीं करने दूंगा। मैं कारण पूछा तो बोले क्या कि से इनके शादी में दिक्कत आ सकती है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? अब ये तो भाई बाहर की बात जब है, इलाज किए ये हैं बस जो हम तो इलाज डॉक्टरी बात बताएंगे और समझ। प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है सर? अब बच गया, बच गया, बच तो गया। शादी के लायक भी मैं इसे हाँ, समझा शादी भी सकता लायक है। हाँ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा सा वक्त निकाले हैं, कितने वक्त निकाले हैं। और ये सर्जन है सर, MBBS है भी किए हुए हैं और MSB है। तो सर से बातें हुई और स्पष्ट रूप से आप जानने का प्रयास कर चुके हैं यानी आप समझ चुके हैं कि ये इंजर्ड हुआ था, थोड़ा तेज धार हथियार से काटने का प्रयास किया गया था, कटा नहीं है, खतरे से बाहर है और वो शादी के लिए भी अब सही है। ऐसा नहीं माना जाना गलत होगा कि हाँ उसका पेनिस या फिर कह लीजिए प्राइवेट पार्ट को काट के हटा दिया गया है। तो आप अफवाहों से बचें।